enjoy the life and feel the good vibes. हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल गुड वाइब्स। सो आज का ये वीडियो, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और उससे बाहर आए हैं और उनको न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है, तो उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ करना है, उसके लिए ये वीडियो है। जब भी हम कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, ड्यू टू एनी अल्कोहलिक इशू, ड्यू टू एनी वायलेंस और ड्यू टू एनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तब भी हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। हमारे मेंटल हेल्थ की बैंड बजी रहती है, हम कंटिन्यूसली स्ट्रेस टेंशन में रहते हैं। सेकंड थिंग, इस वक्त हमें जो करीबी रिश्तेदार और फैमिली फ्रेंड से जो सपोर्ट चाहिए रहता है, बट उनमें ही वो समय पे दूरियां पैदा हो जाती हैं। थर्ड थिंग, हमें सो कॉल्ड समाज और जो रिश्तेदार होते हैं उनके ताने सुनने पड़ते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइज, यू डिजर्व ऑल द ग्रेट थिंग्स ऑफ लाइफ। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम श्योर ये करेज आप में आ ही जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, डोंट मिस एनी थिंग। सो लेट्स क्विकली बिगिन। सो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको सामने वाले इंसान जो कोई हो, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वॉट एवर, उनको हमको फॉरगिव कर देना है। यस, उनको माफ़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप उनको माफ़ कर दोगे तो ही आप ये माइंड से निकाल पाओगे और मूव ऑन कर पाओगे। सो माफ़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ, उसका मैं एग्जांपल देती हुए। जैसे आपके पास ये ग्लास है, एम्प्टी ग्लास है, ये मैं आपको बोलूँगी कि ये आपको कंटिन्यूसली पकड़ के रखना है। तो कुछ लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स बाद, आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे बाद आपका कंटिन्यूसली ये एम्प्टी ग्लास पकड़ के भी पेन होने लगेगा। और उसके बाद मैंने ये ग्लास पे फॉर एग्जांपल एक किताब भी रखी, एक बुक भी रखी, तो भी आपको ये बुक का वेट भी आप सहन नहीं कर पाओगे। तो ये एम्प्टी ग्लास, ये मान लीजिए ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का आपका पेन है और ये आपका माइंड है। ये आपने ये पकड़ के रखा है बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से। जब तक ये आप निकाल नहीं दोगे, तब तक आपके माइंड में ये पेन होता ही रहेगा। और उसके बाद कोई भी ये बुक, मतलब कोई भी छोटी सी नॉर्मल चीज़ आपके डे टू डे लाइफ में होगी, तो इट विल बी मोर पेनफुल, बिकॉज ये आपने बहुत देर से ऐसे पकड़े रखा है। जब तक आप ये छोड़ नहीं देंगे, तब तक आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो ये वीडियो के साथ ही आपको ये स्टेप करनी है। वीडियो को पॉज कीजिए और अभी उस इंसान को माफ़ कीजिए। आप बोलो कि मैंने उसको माफ़ कर दिया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर यू, नॉट फॉर देम। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, सेल्फ लव। क्योंकि ऐसे स्टेप में, ऐसे सिचुएशन में हम खुद की केयर करना भूल जाते हैं, कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं। तो आपको खुद को इम्पोर्टेंस देना है, आपको खुद से ढेर सदा प्यार करना है, आपको आपके बॉडी का ख्याल रखना है, अच्छे से खाना टाइम पे खा के एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत 5-10 मिनट वॉक। आपको आपके माइंड का ख्याल रखना है। माइंड का ख्याल कैसे रख सकते हैं आप, कि आप आपको अवेयर रहना है पूरे दिन में, कि मैं निगेटिव सिनारियो थॉट्स तो नहीं बोल रहे, ऑब्वियसली आएंगे, बट बी अवेयर अबाउट इट। और सेल्फ लव कैसे करना है डेली, इसका वीडियो मैंने बनाया है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और ये सेल्फ लव भी आपको डेली करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है, आपको अभी ये सिचुएशन में जो लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, उनको, वो जो लोगों के साथ अभी ये मोमेंट में रिश्ते अच्छे, जो मॉम डैड फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन कोई भी हो सकता है, उनको थैंकफुल रहना है, उनको थैंक यू माइंड में बोलना है। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं,
कि ये सिचुएशन में इन फ्यूचर ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए, बेटर रिलेशनशिप। तो अभी आपके पास जो रिलेशनशिप जो अच्छे हैं उनको हम थैंक्स बोल रहे हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज वो इफ यू थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट। सो बी थैंकफुल फॉर इट डेली, आपको ये डेली करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको खुद को फॉरगिव करना है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब भी हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं तब हम जाने अनजाने में कोई गलतियां कर बैठते हैं, तो इस वजह से हम बोलते रहते हैं मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। इट्स ओके, यू आर ह्यूमन बीइंग, गलतियां सबसे होती हैं। तो वो गलतियों के लिए आपको खुद से माफ़, खुद को माफ़ करना है। वो क्लास का एग्जांपल मैंने आपको दिया दूसरों को माफ़ करने के लिए, ये सेम एग्जांपल आपको भी लागू पड़ता है। तो आपको खुद को भी फॉरगिव करना है डेली। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आप अफर्मेशंस यूज कर सकते अफर्मेशंस। मैं आपको अफर्मेशन एक अफर्मेशन देती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव ऑल गुड क्वालिटीज एंड अदर्स आर वेरी लकी टू हैव मी इन देयर लाइफ। ये तीन सेंटेंस आपको डेली खुद को अपने आप से बोलना है कि आई नो यू आर नॉट हैप्पी इन दिस सिचुएशन यू आर, बट ओनली यू आर, आपको ये अफर्मेशन डेली बोलना है। अभी आपने तय किया है ना कि आपको मूव ऑन करना है, अच्छी लाइफ स्टार्ट करनी है, तो ये आपको खुद को अफर्मेशन देते रहना है। तो ये सारे स्टेप्स आपको डेली करने होंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ, एंड ये आप ये स्टार्ट तो कीजिए करना और कंटिन्यू करना है आपको डेली। स्टार्टिंग में आप 21 डेज कीजिए, सो 21 डेज के बाद आपको आदत हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ, यू डिजर्व इट, ट्रस्ट मी। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो कम, इंजॉय द लाइफ, फील द गुड वाइब्स। टाटा।